नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, पिछला वीडियो इस चैनल पर जो आया था वो आया था 16 फरवरी 2020 को, यानी पूरे 959 डेज हो चुके हैं और मुझे लगता है कि अब वापस आने का टाइम आ गया है। तो मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि आई एम बैक। आज के वीडियो में कोई जादू नहीं है, जादू वाला वीडियो थोड़ी देर में आने वाला है, लेकिन ये वीडियो जो है ये है एक मैसेज मेरे फैंस के लिए जिन्होंने पिछले 3 साल से मेरा पेशेंटली इंतज़ार करा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके लिए कुछ जवाब देने मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में 3 चीज़ों का जवाब मैं देने वाला हूँ। पहला, कि मैं कहाँ था, मैंने क्यों वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे। दूसरा, अब मैं क्यों वापस आ रहा हूँ और किस तरीके से वापस आ रहा हूँ। और तीसरा, आने वाले दिनों में आपको क्या देखने को मिलेगा इस चैनल में। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं कहाँ था और मैंने वीडियो बनाने क्यों बंद कर दिए। देखिए, 4 कारण थे जिनकी वजह से ये वीडियो बनने बंद हुए। पहला जो रीज़न था, बहुत ही पॉजिटिव रीज़न था, वो ये था कि मैं एक पेरेंट बना था नवंबर 2019 में, 3 साल पहले आज से। और जब आप पेरेंट बनते हैं तो उस टाइम पे आपका बच्चा जो है आपकी नंबर वन प्रायोरिटी होती है। बच्चा हमेशा ही नंबर वन प्रायोरिटी रहता है, लेकिन उस टाइम पे तो खासकर एक नई प्रायोरिटी लाइफ में आई हुई होती है और आप उस पर फोकस कर रहे होते हैं। तो मेरा भी ये गोल था, ये एम्बिशन था कि मैं अपने बच्चे की देखरेख में, उसको बड़ा करने में मैं उतना ही योगदान दूँ जितना कि मेरी वाइफ दे रही हैं। और इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा चैनल को पॉज करके बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अब बच्चा घर पे आता है तो बच्चे का अलग रूटीन होता है, उस रूटीन में आपको सेटल इन होना होता है, रात को आप सो नहीं पाते हैं, सुबह टाइम से उठते नहीं हैं, तो उस टाइम पे वीडियो बनाने का टाइम मिलना मुश्किल हो रहा था। मुझे लगा कि 2-3 महीना बच्चे का थोड़ा रूटीन सेट हो जाए, उसके बाद मैं वापस आऊँगा और वीडियो बनाना शुरू करूँगा। तो इसलिए मैंने फरवरी में वीडियो बनाने सबसे पहले पॉज करे। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी चीज़ हुई वो तो हम सब उससे सफ़र करे हुए हैं, वो है COVID-19 का आउटब्रेक, जो कि मार्च 2020 में इंडिया में लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ। और उस लॉकडाउन की वजह से मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। 2 मेजर चेंजेस थे, एक था पर्सनल फ्रंट में, जहां पर हम सेफ रहना चाहते थे और सेफ रहने की वजह से काफ़ी सारे काम हमें घर पे खुद करने पड़े, खाना बनाने से लेकर के बाकी काफ़ी सारे काम जो हम आउटसोर्स किया करते थे वो हमारे बंद हो गए। और दूसरी चीज़, प्रोफेशनल फ्रंट में मैं, जैसे कि आप जानते हैं, एक जॉब भी करता हूँ और ये मेरे लिए एक फुल टाइम जॉब है और ये एक ऐसी जॉब है जहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक मैनेजेरियल जॉब है। सडनली जब कोविड का आउटब्रेक हुआ तो लोग काफ़ी टेंशन में आ गए कि क्या होगा, जॉब्स पे भी काफ़ी लोगों के तलवार लटकी दुनिया भर में। तो उस टाइम पे एज अ मैनेजर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मैं इंश्योर करूँ कि मेरी टीम जो है वो सेफ है, वो प्रोटेक्टेड है और उनको एटलीस्ट अपने जॉब से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो फोकस वहाँ शिफ्ट हुआ और उस वजह से क्या हुआ कि आपके पर्सनल जो काम थे वो बढ़ गए, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आपका जो घंटे आप बिताते थे वो बढ़ गए और उसकी वजह से वीडियो बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता रहा। ओके, तीसरा कारण वो ये है कि दोस्तों, जो ये मैजिक मैं करता हूँ, जो वीडियोस बनाता हूँ, ये मेरे लिए हमेशा एक हॉबी रहा है। कभी भी मैंने इसको सीरियसली प्रोफेशनली नहीं चेस करा था। और क्योंकि मैं इसको प्रोफेशनली नहीं चेस कर रहा था, मैं इसको हमेशा एक साइड हॉबी की तरह ट्रीट कर रहा था, तो जैसे ही अब कई सारी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी की चीज़ें जिंदगी में आती हैं तो आपकी हॉबी जो है वो साइड में हो जाती है, राइट। तो इस वजह से मुझे लगा कि ये हॉबी जो है ये भी साइड में हो गई। हालांकि मैं मैजिक करता था लेकिन वो कभी भी वीडियो में आपके सामने नहीं आ पाया। अच्छा, जो चौथा कारण है दोस्तों, वो बहुत ऑपरेशनल कारण है। देखिए, मैं जो ना, मेरे को पसंद है मैजिक करना, मैजिक दिखाना, आप लोगों से इंटरेक्ट करना, राइट। लेकिन एक यूट्यूब में वीडियो डालने में इन काम के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि आपको पूरा सेटअप करना होता है, लाइटिंग का सेटअप, कैमरे का सेटअप। उसके बाद वीडियो शूट जब करते हैं ना, आप ध्यान दीजिए, मेरे अधिकतर जो परफॉर्मेंस होते हैं वो अनकट होते हैं, उनमें मैं कुछ कट नहीं करता हूँ। अनकट परफॉर्मेंस में आपकी गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं वो पकड़े जाने का बहुत डर रहता है। अगर आप स्टेज में कर रहे हैं तो नहीं पकड़ते, क्योंकि आप मिसडायरेक्शन यूज़ कर सकते हैं, ऑडियंस नहीं करती है। लेकिन अगर आप एक वीडियो में इसको डाल रहे हैं तो कहीं भी आप कुछ गड़बड़ करेंगे ना, आप लोग जो है 0.25 स्पीड में देख करके पता लगा लेते हैं कि क्या गड़बड़ हुई और फिर नीचे लिखते हैं कि अरे आपने यहाँ पर ये गड़बड़ करी, ये कट करा। तो वो परफेक्शन चेस करने में कई बार क्या होता है, आपको रीशूट करना पड़ता है। रीशूट करने के बाद फिर एडिटिंग है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, यूट्यूब के एल्गोरिथम्स हैं कि आपको रैंकिंग करना है, थंबनेल बनाना है, ये सब चीज़ें जो है ये मेरे लिए, मतलब मुझे उसमें मज़ा नहीं आता था। मुझे मज़ा आता है मैजिक करने में, आप लोगों के साथ इंगेज होने में, आपके कमेंट्स पढ़ने में, उनको रिप्लाई करने में। तो इन सब वजह से क्या हो रहा था दोस्तों कि टाइम जो है वो नहीं हो पा रहा था और वीडियोज़ आने धीरे धीरे बंद हो गए और होते होते आज 959 दिन हो चुके हैं। क्यों गया था ये तो बता दिया, अब यही बता दूं कि क्यों वापस आया हूं और अब कैसे इंश्योर करूंगा कि पिछली बार जिन वजह से गया था वो अब वो प्रॉब्लम ना आए।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैं क्यों वापस आया हूँ। देखिए सिर्फ एक कारण है जिसकी वजह से मैं वापस आया हूँ, और वो है कि जब मैं ये पिछले 1000 दिन नहीं था, ऑलमोस्ट 1000 हो चुके हैं, 1000 हुए नहीं है, जब मैं नहीं था तो मुझे जो प्यार मिला है आप लोगों से वो अनकम्पेरेबल है। कम से कम 2000 लोगों ने पिछले 959 दिनों में हर दिन मेरे यहाँ कमेंट करा है, मेरी वीडियोस में आकर के, पुराने वीडियोस में आके कमेंट करा है कि सर आप कहाँ हो, आपके वीडियोस का हम इतना इंतज़ार करते हैं, अब हम उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं, आपकी हेल्थ ठीक है, आप ठीक से हो। और आप मुझे यकीन मानिए, मैं खुद 50-100 इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता हूँ राइट यूट्यूब में, मुझे नहीं पता चलता कि कब उन्होंने वीडियो डालने बंद कर दिए हैं, कब वो गायब हो गए। मैं किसी के चैनल पर जाके नहीं बोलता हूँ कि यार आप अपनी वीडियो डालना शुरू करो फिर से, लेकिन इस देश में 2000 लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये सिर्फ मेरे लिए हॉबी नहीं है, मैं 2000 लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला रहा हूँ, 2000 लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा कर रहे हो। ये 2000 लोगों ने तो आकर के मेरे चैनल पे एक्सप्रेस करा है, 2 साल पुरानी वीडियो में जाकर बोला है कि सर आप कहाँ हो, आप ऑफिस आओ। मेरे को कम से कम 25 लोगों ने ईमेल करा है, उन्होंने मेरा ईमेल निकाला, मुझे ईमेल करा है कि आप कहाँ हो, वापस आओ। और मेरे लिए ये बहुत बड़ा डिसर्विस होगा अगर मैं अपनी सिर्फ एक हॉबी बोल के इसको साइडलाइन कर दूं, इतना सब कुछ होने के बाद 2000 लोगों को जिन्होंने मुझे रीच आउट करा है और उससे भी ज़्यादा कई सारे लोगों को मैं अपसेट नहीं कर सकता हूं। तो इसलिए मैं वापस आया हूं, सिर्फ एक कारण है। अभी भी मैं प्रोफेशनली, मुझे नहीं पता मैं इसे करूंगा नहीं करूंगा, अभी भी ये हॉबी है, लेकिन अब एक ऐसी हॉबी है जो मेरे साथ कई हज़ारों लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी हर हफ्ते। ओके यार वापस तो आ गया हूँ, लेकिन अब फिर से वीडियो बनाना ना छोड़ूं, इसको इंश्योर करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। 4 चैलेंजेस थे तो उन सब का एक सॉल्व है मेरे पास, और सॉल्व ये है कि मेरी जो वाइफ है वो मुझे फुल टाइम इस चैनल पे सपोर्ट करेंगी। वो पहले एक जॉब करती थी, लेकिन अब उन्होंने डिसाइड करा है कि वो फुल टाइम मेरे साथ इस चैनल पे फोकस करेंगी और इसको और प्रोफेशनल और बेटर बनाने की कोशिश करेंगी। तो अब मेरा फोकस रहेगा वीडियोस बनाने में, अच्छा मैजिक करने पे और आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने पे, और वो फोकस करेंगी सारे ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स जैसे कि एडिटिंग, गिव अवेज का मैनेजमेंट करना, सारी चीज़ें मेरी वाइफ करेंगी। तो हम लोगों ने आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्प्लिट कर ली है ताकि इस चैनल को एक फुल टाइम लाइफ मिल पाए। आई होप आपको इसमें मजा आएगा। तो आप बात कर लेते हैं कि आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चैनल से। सबसे पहले कंटेंट पे, हर हफ्ते पिछली बार की तरह एक जबरदस्त मैजिक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग कुछ शॉर्ट्स भी डालेंगे। टारगेट करेंगे 3 वीडियो पर वीक का, एक नॉर्मल लॉन्ग वीडियो, 2 शॉर्ट्स। दूसरी चीज, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि मैं फुल टाइम फोकस करूंगा मैजिक के ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर नहीं। यानी कि अब आप देख पाएंगे बहुत सारे और इंटरनेशनल मैजिक अपनी लैंग्वेज पे और उनको सीख भी पाएंगे। तीसरी चीज, गिव अवेज वापस आ रहे हैं, हर वीडियो में होंगे कुछ गिव अवेज, आई होप आप उसके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और चौथी चीज, आने वाले दिनों में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स प्रेजेंटेशन पे, वीडियो की क्वालिटी पे, मैजिक की क्वालिटी पे, और आपको हो सकता है मेरा थोड़ा कॉमिक साइड भी देखने को मिले कुछ कुछ वीडियोस। बहुत सारे प्लान्स हैं, बस आपका प्यार चाहिए। तो एंड नोट में यही कहना चाहूँगा कि यार चला तो गया था, अब वापस आया हूँ, प्यार ज़रूर देना, लंबे टाइम तक टिकना है। पहला वीडियो कुछ टाइम पे आने वाला है, मेरे ख्याल से आज या कल में आ जाएगा, आपको नोटिफिकेशन नहीं आया तो चैनल पे आके देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं।